हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस। तो आप लोगों को सबसे पहले हम यूनिट ऑपरेशन बताने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन किया है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन मिल रही है, फिर आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा जो कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे वो भी आप लोगों को डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो यूनिट ऑपरेशन आज इन्वॉल्व फिजिकल चेंज, ठीक है। यूनिट ऑपरेशन में होता है फिजिकली चेंज होता है, ठीक है, फिजिकली चेंज होता है, ठीक है, जो कि मटेरियल हैंडल करते हैं तो उसका क्या है, फिजिकली चेंज होता है, ठीक है। और इसके जो कि एग्जांपल हैं जो कि यूनिट ऑपरेशन में जो कि आते हैं, जो कि डिस्टिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एवापोरेशन हो गया, सेटलिंग जो कि सेडिमेंटेशन, ड्राइंग हो गया, इनका जो कि इनको कैसे लिया गया है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि है डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फिजिकली चेंज कैसे होता है, जैसे कि हमें किसी भी मटेरियल को क्या है, जैसे ए और प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी की रिएक्शन करा जो कि हमारा इनको अलग अलग कर रहा है, इनका सॉल्यूशन है, तो डिस्टिलेशन कराएंगे। तो डिस्टिलेशन में क्या होगा, डिस्टिलेशन में ये मटेरियल कोई जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले क्या होगा, डिस्टिलेट हो जाएगा, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा होगा वो बाद में डिस्टिलेट होगा, तो जो क्या है वो वेपर से क्या होगा, वेपर कन्वर्ट होगी, उसकी वेपर कन्वर्ट होगी तो फिजिकली चेंज हो गया, फिर क्या हुआ, फिर कंडेंस करके फिर लिक्विड फॉर्म में उसको फिर से दोबारा से क्या है बदल लेते हैं, ठीक है, मतलब चेंज कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, केमिकल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लेकिन क्या है फिजिकली चेंज होगा, ठीक है। जैसे ही ड्रायर ले लेते हैं, ड्रायर 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 में आप लोगों का क्या होता है, जैसे कि ड्रायर ड्रायर का आप लोगों को पता है कि जो कि जो बेड केक रहता है, बेड मटेरियल रहता है, बेड मतलब गीला मटेरियल रहता है, उसको सुखाने के काम आता है, जिसको मॉइस्चर को रिमूव करना होता है ड्रायर का, ठीक है। ड्रायर क्या करता है, जो भी बेड केक रहता है उससे मॉइस्चर को रिमूव करता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा, प्रोसेस क्या हो रही है, मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन जो कि उसकी फेस थी वो चेंज हो रही है, वो गीला था वो क्या है ड्राई हो रहा है, सूखा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसकी फिजिकल चेंज हुई, केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से यूनिट ऑपरेशन को जो कि डिफाइन करते हैं, और जो कि यूनिट ऑपरेशन के सबसे बेस्ट एग्जांपल यही हैं, जो कि डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एवापोरेशन, सेटल, जो कि ड्राइंग, ठीक है। आप लोगों को कोई भी अगर पूछता है यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, तो आप लोग सिंपल सा जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं और आप लोगों को यूनिट प्रोसेस बताते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है हमारा, जो कि है यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस होता है। यूनिट प्रोसेस में क्या होता है, केमिकली चेंज होता है। अब केमिकली चेंज, जैसे कि आप लोग केमिकली चेंज आ जाता है, तो केमिकली चेंज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, क्लोरीनेशन, सल्फोनिएशन, ये क्या होता है, ये केमिकली चेंज होता है। केमिकली चेंज कैसे होता है ये आप लोगों को बताएंगे। तो जैसे कि किसी भी मटेरियल क्लोरीनेशन कराना है, या आप लोगों को क्या है सल्फोनिएशन रिएक्शन करानी है, सल्फोनिएशन रिएक्शन होती है, तो बेंजीन की क्रिया हम जब कराते हैं, बेंजीन की क्रिया जैसे हो रही है, ठीक है, और एसओ टू जो कि एसओ टू सल्फर एसओ थ्री होता है, ठीक है, एसओ थ्री होता है जो कि सल्फर जो कि बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, तो बेंजो सल्फोनेट बना लेता है, बेंजो सल्फोनेट बना लेता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है केमिकली में चेंज आता है, तो क्या है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आप लोगों का क्या है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ठीक है, इसी प्रकार से जो भी प्रोसेस रहती है वो केमिकली चेंजेस में आती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो भी है आप लोगों की यूनिट प्रोसेस हो गई, ठीक है, जिसके एग्जांपल जो कि आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और आप लोगों के जो भी मैंने अभी बताया सल्फोनिएशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ये यूनिट प्रोसेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। और यूनिट ऑपरेशन की कौन से जब डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजर, जो कि ड्रायर वगैरह जो भी एब्जॉर्प्शन जो भी प्रोसेस रहती है वो यूनिट प्रोसेस की रहती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें भी यहाँ पर भी, तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया यूनिट प्रोसेस में क्या होता है, केमिकली चेंज होता है, जो कि हेलोजिनेशन रिएक्शन एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल रहता है, ठीक है। और यूनिट प्रोसेस में यूनिट ऑपरेशन में क्या रहता है, फिजिकली चेंज, फिजिक प्राइमरी मतलब फिजिकली चेंज होता है, ठीक है। प्राइमरीली क्यों लिया गया है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में फिजिकली चेंज, फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, फिर दोबारा से वो है अपनी पुराने अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो इस और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि है इसका, जो कि डिस्टिलेशन, ठीक है, यूनिट ऑपरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिस्टिलेशन, और यूनिट प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल है हेलोजिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस से डिस्कशन किया है, यहीं से आप लोगों के इसी प्रकार से ही क्वेश्चन उठते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंटरव्यू में। तो यही मेनली इंडस्ट्रीज में भी वर्क रहता है, यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस पर ही वर्क रहता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर कर लीजिए जो कि टॉपिक्स को।
ठीक है, जो भी हमें टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, तो आप लोग प्रत्येक लेक्चर को देखते रहे हो और देखते आ रहे हो, तो आप लोगों को नॉलेज बढ़ता आ रहा होगा, और आप लोग इंडस्ट्रियल नॉलेज में आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, और आगे भी लेक्चर जो भी बनाऊंगा इंडस्ट्रियल नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।